Hello everyone, welcome to Krishi Valley YouTube channel. Here in this video, I will discuss the physiological disorders of banana along with their management practices. Before starting the video, if you are new to my channel, then please don't forget to subscribe and like and share this video more and more. So let us start. Number one disorder, that is choked throat. तो जो बनाना होता है यानी केला होता है उसमें जो चोक थ्रोट डिसऑर्डर होता है उसका मेन रीज़न होता है लो टेम्परेचर की वजह से. इट इज़ ड्यू टू लो टेम्परेचर. द लो टेम्परेचर अफेक्ट द एक्टिव ग्रोथ ऑफ द प्लांट, लीव्स बिकम येलो एंड इन सीवियर केस द टिश्यूज गेट किल्ड. ठीक है, तो उसका सिम्टम क्या होता है? चोक थ्रोट का रीज़न होता है लो टेम्परेचर. ये हो गया इसका रीज़न. नाउ इसमें सिम्टम्स कैसे डेवलप्ड होते हैं? जो लीव्स होते हैं प्लांट्स की वो पीली पड़ जाती हैं और ज़्यादा सीवियर केस में वो एकदम जो टिश्यूज़ हैं वो किल हो जाते हैं. एंड द केस ऑफ नॉर्मली फ्लावरिंग प्लांट द स्टॉक कैरिंग बंचेज इलोंगेट फ्रीली सो दैट द इंटायर इंफ्लोरेसेंस कम्स आउट ऑफ द सीरो स्टेम्स एंड हैंग डाउन. फिगर में देख सकते हैं जो बनाना की इन्फ्लोरेसेंस होता है. ओके, यू ऑल नो बनाना का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज टर्म्ड एज स्पैडिक्स. तो जो इन्फ्लोरेसेंस होगा स्पैडिक्स होगा वो स्यूडो स्टेम्स जो होती हैं ये प्लांट की, जो स्यूडो स्टेम होता है उससे बाहर की ओर झुकने लगेगा. इट हैंग्स डाउन, ये भी इसका एक सिम्टम होता है. द डिस्टल पार्ट ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस कम्स आउट एंड द बेसल पार्ट गेट्स स्टक अप टू द थ्रोट, हैंस इट इज कॉल्ड चोक थ्रोट. ठीक है, तो इसमें से जो इन्फ्लोरेसेंस है वो बाहर निकल जाती है और सीरो स्टेम इंटेक्ट रहता है. दैट इज व्हाट इज नोन एज चोक थ्रोट डिसऑर्डर. नाउ द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर दिस डिसऑर्डर इज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट टॉल वेराइटीज. ओके, टॉल वेराइटीज सेलेक्ट करनी क्योंकि जो टॉल वेराइटीज होती हैं दे आर लेस ससेप्टेबल टू चोक थ्रोट डिसऑर्डर. और यहाँ पे जो हमारे पास जो वेराइटी होती है चोक थ्रोट के लिए वो है विलियम्स. बनाना की बहुत ही फेमस वेराइटी है विलियम जो कि चोक थ्रोट डिसऑर्डर के लिए ससेप्टेबल कम होती है. नेक्स्ट ऑप्शन इज चूज अ वार्म वेदर कंडीशन और ए वार्म एनवायरनमेंट, वन विच इज वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स. ठीक है, तो क्योंकि ये डिसऑर्डर जनरली लो टेम्परेचर की वजह से होता है तो हमें वार्म एनवायरनमेंट कंडीशन प्रेफर करनी चाहिए. कंट्रोल टाइम ऑफ बंचिंग टू अवॉइड द कोल्ड वेदर प्रियर टू बंचिंग, प्लांट्स बंचिंग इन द लेट स्प्रिंग टू माइल्ड ऑटम आर लेस अफेक्टेड. इसमें हम बंचिंग की जो टाइमिंग है उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं प्रॉपर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अप्लाई करके, ताकि जो बंचिंग वाला टाइम होता है वो स्प्रिंग या ऑटम के टाइम पे आए ताकि वो लेस अफेक्टेड हो. गुड ऑन फार्म ड्रेनेज मेजर्स इंक्लूडिंग माउंडिंग ऑफ रोज, रेगुलर इरीगेशन टू अवॉइड वाटर स्ट्रेस पर्टिकुलरली ड्यूरिंग हॉट ड्राई वेदर. हाई नाइट्रोजन रेट्स आर थॉट टू बी बेनिफिशियल. तो नेचुरल फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन डोज अगर थोड़ा सा हाई होगा तो इस डिसऑर्डर्स को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं. द नेक्स्ट डिसऑर्डर इज चिलिंग इंजरी. तो बनाना में चोक थ्रोट के बाद जो नेक्स्ट डिसऑर्डर आता है वो आता है चिलिंग इंजरी का. चिलिंग इंजरी जो होती है जनरली वो भी लो टेम्परेचर की वजह से होती है. चिलिंग इंजरी अकर्स व्हेन प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट टेम्परेचर फॉल्स बिलो 14 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर वेरियस टाइम पीरियड. ठीक है, अगर बनाना कल्टीवेशन के टाइम पे प्री हार्वेस्ट या पोस्ट हार्वेस्ट के टाइम पे कल्टीवेशन के दौरान टेम्परेचर 14 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है, बहुत ठंडा हो जाता है, तो चिलिंग इंजरी होने के चांसेस होते हैं. सिम्टम्स यहाँ पे क्या आते हैं? सिम्टम्स फिगर में देख सकते हैं. जो कलर है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में जो बनाना का कलर होगा वो तो पता है सबको, लेकिन जो चिलिंग इंजरी के टाइम पे जो कलर होता है वो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का हो जाएगा. द कलर बिकम समवर डार्क और अनइवन राइपनिंग यहाँ पे हो सकती है. देन राइपनिंग फिंगर्स शुड बी डल येलो और स्मोकी येलो कलर की हो जाएगी. वाटरी डार्क पैचेस उसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. फिगर में आप देख सकते हैं जो राइपन फिगर्स हैं वो किस तरह से पैची हो जाएंगी, डार्क ब्राउन पैचेस में बन जाता है. इसके बाद क्या होगा? टेस्ट में भी चेंज आता है, बिटरनेस हो जाएगी. ठीक है, टेस्ट जो होगा बिटर हो जाएगा. बिटरनेस ऑफ द फ्रूट एंड द फंगल इन्फेक्शन इज ऑल्सो ऑब्जर्व. द वैस्कुलर बंडल्स ऑफ द सब एपिडर्मल लेयर शो ब्राउन स्ट्रीक्स. तो यहाँ पे ब्राउन स्ट्रीक्स देख सकते हैं, जो वैस्कुलर बंडल्स हैं वहाँ पे ब्राउन स्ट्रीक्स पर भी बन जाती हैं. चिलिंग इंजरी कैन इजिली बी अवॉइडेड इन म्यूसा कल्टीवार्स और इन बनाना कल्टीवार बाय सिंपली लिमिटिंग स्टोरेज और हैंडलिंग टू अ टेम्परेचर अबव द थ्रेशोल्ड. तो मेक श्योर इसका जो कंट्रोल मेजर है वो क्या होता है? चिलिंग इंजरी में क्या होता है?
सबसे पहले तो ध्यान रखना है, चिलिंग इंजरी जो तब होती है जब टेम्परेचर 14 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है। और सिम्टम्स में हमने देखा कि डल येलो ब्राउन कलर के स्पॉट्स जो हैं वो बन जाते हैं फ्रूट्स में। इसको कंट्रोल करने के लिए जो मेजर्स हैं वो ये हैं, प्रॉपर स्टोरेज होनी चाहिए, स्टोरेज टेम्परेचर प्रॉपर सेट होना चाहिए, एंड अवॉइड रेफ्रिजरेशन एट बिलो 13 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये बहुत ही इसका अच्छा मेजर मेजर या कंट्रोल कह सकते हैं चिलिंग इंजरी का। द नेक्स्ट डिसऑर्डर इज कोटाई वजाय। ये कोटाई वजाय डिसऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है क्योंकि सारे कल्टीवार्स में नहीं होता ये। जैसे हमने पढ़ा था मैंगो के केस में, मैंगो में हमने पढ़ा था डिसऑर्डर अल्फांसो में, दैट इज स्पॉन्जी नोज, ठीक है, या स्पॉन्जी टिश्यू। तो जो स्पॉन्जी टिश्यू डिसऑर्डर होता है पर्टिकुलरली अल्फांसो वराइटी में ही देखा जाता है, उसी तरह से जो कोटा वजाय डिसऑर्डर होता है बनाना का, ये एक पर्टिकुलर वेराइटी है पोवन वेराइटी, ठीक है, बनाना में एक वेराइटी है पोवन वेराइटी ऑल नो, उस वेराइटी में ही ये डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा देखा जाता है सीरियस तरीके से। और माना जाता है कि अगर ये डिसऑर्डर अगर हो जाता है बनाना में पोवन वेराइटी में स्पेशली कोटा वजाय डिसऑर्डर, तो 10 to 25% ईल्ड जो है वो लॉस हो सकती है। सिम्टम्स क्या डेवलप होते हैं इस डिसऑर्डर के? द सिम्टम्स आर डिस्टिंक्टली कॉनिकल एंड इल फिल्ड फ्रूट्स विद अ प्रोमिनेंट सेंट्रल कोर हैविंग मैनी अंडर डेवलप्ड सीडी स्ट्रक्चर्स मेकिंग द फ्रूट इन एडिबल। ठीक है, क्लियर हो रहा है? फिगर में भी आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहले तो जो फ्रूट का शेप है वो थोड़ा कॉनिकल शेप में लगेगा, और सेंटर में क्या होगा कि फ्रूट्स का जो सेंटर वाला एरिया है यहाँ पे इस तरह से बहुत ही छोटे छोटे अनडेवलप्ड या यू कैन से अंडर डेवलप्ड सीडी स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाते हैं, और ऑल ओवर द जो फ्रूट की क्वालिटी है वो डिटोरिएट हो जाएगी, फ्रूट जो वो एडिबली वो एडिबल नहीं होगा, इट इज़ इनएडिबल, तो कंजप्शन के लिए प्रिफर नहीं करा जाएगा। दिस डिसऑर्डर इज करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ शार्प टेपर्ड एंड इल फ्लू। द सेम पॉइंट लिखा है यहाँ पे, द सिम्टम ऑफ दिस डिसऑर्डर डू नॉट अपेयर एट द टाइम एट द अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज में ही अपेयर नहीं होता। ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए वी हैव 2,4-D, ठीक है, वी कैन अप्लाई और स्प्रे 2,4-D 25 ppm एंड GA दैट इज जिब्रेलिक एसिड 100 ppm, ये हम दोनों अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द लास्ट हैंड फेवर डेवलपमेंट ऑफ द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। नेक्स्ट इज द फिंगर ड्रॉप। तो अभी तक हमने जो बनाना के इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर्स डिस्कस करें, दैट इज फर्स्ट वन इज चोक थ्रोट जो कि लो टेम्परेचर की वजह से होता है, चिलिंग इंजरी जो कि बिलो 14 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे होता है, कोटा वजाय जो कि पोवन वेराइटी में बहुत ज़्यादा देखा गया है, एंड द लास्ट वन इज फिंगर ड्रॉप। ठीक है, तो फिंगर ड्रॉप जो डिसऑर्डर होता है इसमें जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स आते हैं फिंगर ड्रॉप में, नाम से क्लियर है जो बनाना जो फ्रूट है उसके जो फिंगर्स हैं यानी वी कैन से जो बनाना है वो ड्रॉप झड़ने लगते हैं पेड़ से। इट अ सीरियस डिसऑर्डर इन विच द पैडिकल बिकम सॉफ्ट। तो यहाँ पे सिम्टम्स में देख सकते हैं, सबसे पहले पैडिकल वाला एरिया सॉफ्ट हो जाएगा एंड वीक, सॉफ्ट और वीक हो जाता है। द इंडिविजुअल फ्रूट कैन बी डिसोसिएटेड फ्रॉम द बंच वेरी ईजिली ड्यूरिंग राइपनिंग। तो यू कैन ईजिली इमेजिन, सबसे पहले तो जो पैडिंकल वाला एरिया है वो सॉफ्ट और वीक हो जाएगा, वो इतना वीक हो जाएगा कि जो फ्रूट्स होते हैं फ्रूट उसमें एक बंच में जो फ्रूट्स लगते हैं, यू ऑल नो बनाना में क्या होता है पूरा का पूरा एक बंच होता है, उस बंच पे इस तरह से फ्रूट्स लगे होते हैं, तो जब वो पेडिंकली वीक हो जाएगा तो उसमें से जो फ्रूट्स हैं वो डिसोसिएट हो जाएंगे, इस तरह से नेक्स्ट फिगर देख सकते हैं, इस तरह से डिसोसिएट हो जाएंगे वो, दैट इज अ सिम्टम ऑफ फिंगर ड्रॉप। इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं? प्रोवाइड वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर ऑफ 18 डिग्री सेंटीग्रेड टू द फ्रूट्स फॉर राइपनिंग। बेसिकली फ्रूट ड्रॉप का जो प्रॉब्लम है इसका रीज़न ये है कि प्रॉपर हैंडलिंग नहीं करेंगे या प्रॉपर टेम्परेचर सेट नहीं होगा तो ये डिसऑर्डर हो सकता है, तो इसलिए मेक श्योर कि प्रॉपर राइपनिंग के लिए हम वेंटिलेशन टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन कर सकते हैं। इथाइलिन का स्प्रे कर सकते हैं 1 ml पर लीटर फॉर द राइपनिंग पर्पज ऑफ द फ्रूट फॉर 24 to 48 hours एट ऑन टेम्परेचर ऑफ 14 to 18 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 90 to 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यूज कर्टन्स फॉर पैकेजिंग ऑफ द फ्रूट बंचेस। तो प्रॉपर मैनेजमेंट और प्रॉपर हैंडलिंग अगर करेंगे तो ये फिंगर ड्रॉप वाला डिसऑर्डर को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन बनाना।